मतलब ये सवाल तो फिर हर कैंडिडेट के लिए आप उठा सकते हैं, पार्टी के फैसले होते हैं और पार्टी की जो लीडरशिप है उसने ये फैसला किया है तो बहुत सोच समझ के किया है। और फिर मैंने पहले भी कहा था कि फैसल वाडा तो एक इनकलाबी पर्सनैलिटी है, उनसे कम अज़ कम वो ओन तो कर रहे हैं ना, और सेनेट में तो कई दफ़ा हम लोगों ने अपने दायरे से बाहर निकल के भी कैंडिडेट खड़े किए, और एक दो की मिसालें नहीं है, काफ़ी मिसालें हैं। यार ये तुमसे आप पूछिए, नहीं तो अभी आप सवाल उनसे कर लीजिएगा या फिर ये यस ये देखिए ये मैंने ये उस दिन भी ये बात की थी कि प्रपोजल और सेकेंडर पार्टी के फैसले के मुताबिक था, पार्टी ने फैसला किया और जिनको कहा गया वो प्रपोजल और सेकेंडर बने और अभी सिलेक्शन में भी साथ है, तो इस पर कोई अचंभे की बात नहीं है। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि फैसल वावड़ा जो है वो एक इनकलाबी शख्सियत है, एमकेएम के साथ तो उनके ताल्लुक हमेशा से रहे, मेरे साथ तो बहुत ज़माने के ताल्लुक थे, मेरे फैसल वाडा साहब से तो मेरे उस ज़माने में जो इनका पीक का ज़माना था उस ज़माने में से भी। नहीं वो तो अपने आप को ऑन ही नहीं कर रहा ना, नहीं वो तो ऑन ही नहीं कर रहा कि एमकेएम से मैं खड़ा हूँ, वो तो कह रहा मैं आज़ाद खड़ा हूँ, वो तो ये कह रहा है एमकेएम उसके। अब वो आगे चल के देखेंगे ना, जब वो वोट वगैरह पड़ेगा तो फिर पार्टी अपने फैसला बताएगी ना, पार्टी के लीडरशिप। अब यार ये इसके ऊपर मैं तो कुछ नहीं कह सकता सर, ये बताइएगा आखिरी ये बताइएगा फैसल वावड़ा साहब में आपने क्या देखा कि आपने उनको इनकलाबी से जो है वो तशबीह दी है, हम देखते हैं सिर्फ मीडिया टो की तो उनकी नजर आ रही होती है शाम को आपके सवाल चैनल्स में, वो आपके सवाल में भी मुझे एक उभरता हुआ एक अजीब साफ ही नजर आ रहा है।